गुड मॉर्निंग गाइस। ये सुबह के बज रहे 5:30, मतलब 5:35 हो गया है। मैं उठ गई हूँ एंड मैं अभी करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग योगा। चलो पहले योगा कर लेते हैं, उसके बाद सारा काम शुरू करते हैं क्योंकि योगा से ही होगा। तो थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि हर कोई सो रहे, तो चलो योगा कर लेते हैं। सुबह का योगा हो गया है और इतना ज़्यादा फ्रेश फील होता है ना, अगर सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा जस्ट अगर हम खुद की तरफ देखते हैं, क्योंकि योगा में ना हम खुद पे अटेंशन देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप में से मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मेरा स्किन अच्छा खासा ग्लोइंग लग रहा है, तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। और मैं कुछ ही दिन में आपको मैं बताऊंगी मेरा मतलब पूरा मॉर्निंग स्किन केयर एंड नाइट स्किन केयर एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ मैं दिखाऊंगी। वैसे तो मैं ब्लॉग में दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊँगी कि मेरा अपडेटेड स्किन केयर क्या है। ओ गॉड, मेरा स्किन टचूट कौन सा उठ है पता नहीं, लेकिन फिर भी उठ तो है ना, तो ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो सोच रही हूँ कि ऊपर जाऊँ, थोड़ा सा वॉक कर लूँ, और ऊपर में पेड़ पौधे हैं ना तो अच्छा भी लगता है। पता क्या करूँगी, देखती हूँ, क्योंकि अभी छोटे भाई के साथ थोड़ा बाहर भी जाना है। अभी कितना हुआ है टाइम, 6:30 हुआ है। मैंने 5:30 बजे मतलब 5:35 से 6:30 6:20 तक योगा किया है। जो मैंने योगा किया है वो बस बेसिक चीज़ है, जस्ट थोड़ा सा वार्म अप किया और उसके बाद सूर्य नमस्कार एंड थोड़ा बहुत ऐसी 1-2 आसन एक्स्ट्रा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। एंड यस, उसके बाद मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया है एंड थोड़ा सा बस मेडिटेशन किया है, थोड़ा सा, बस इतना ही था ना। यहाँ पे आने के बाद मन पूरा भर जाता है, मन भरिया टाइप का, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा फूल पौधे हैं ना कि मन करता है यहीं पे मैं रहूँ। आहा, कितने सुंदर लगता है, देखो, है ना। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, बस चिड़िया की चहक, फूल का हल्का स्मेल। आई रियली कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है ऐसा। चलो, जब ऊपर आ ही गई हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा आज मेरे घर के छत से कैसा लग रहा है अंडमान दिखाई देती हूँ, है ना। एक्चुअली मेरा जो यूट्यूब का काम के लिए सुबह उठना उतना होता नहीं है, जिस दिन उठ जाती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रेश सा लगता है। कल मैंने मेरे माइंड को बोल कर सोया था कि 5:30 बजे उठ ही जाना है एंड आई वॉज़ रियली अमेज्ड कि 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं इतनी फ्रेश हूँ। मैं सोने का कोशिश करी थी 11:30 को, शायद सोते सोते 12:15 तक हो गया था, लेकिन स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, आई डोंट नो, थोड़ा सा धुंधला क्यों आ रहा है, मैं लेंस को थोड़ा क्लीन करके बताती हूँ। एक्चुअली दूसरा कुछ मोड ऑन था, इस कारण थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बट देखो यार, सुबह 5:30 बजे की सुबह अंडमान की। सो अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंडमान। ऐसा लगता है ना, फिर से बोलूँगी, हर एक ब्लॉग में बोलती हूँ कि यहीं पे रह जाऊँ और यहीं से काम करूँ। और बहुत सारे छोटे नाव बोट खड़े हुए हैं। एंड इस तरफ का क्या नज़ारा है, इस तरफ में लोग निकल गए हैं, कोई अपने काम के लिए, कोई के घर का कुछ लाने के लिए, कोई ट्रिप में जाने के लिए। उस बिल्डिंग में क्या हुआ है, क्या क्यों वो जो आगे का बिल्डिंग है ना, वहाँ पे एक माँ की गोद में एक बच्ची लेटी हुई है, मतलब मेरी जैसी है, माँ को प्यार कर रही है। ओह गॉड, आई रियली मिस माँ। यहाँ पे माँ के गोद पे बिटिया रानी, ये देखो। कितने सारे कौवा है ना। तो अभी छोटा भाई फ्रेश हो गया होगा, मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि अभी तो मैं आपको जस्ट मेरे घर के छत के ऊपर से अंडमान दिखाई हूँ। मैं आज आपको ऐसे घुमा कर लाती हूँ थोड़ा सा, बहुत दिन बाद आप लोग जा रहे हो ना। नहीं, गणेश चतुर्थी के दिन भी गए थे आप लोग। तो हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ आज हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। और आज के सफ़र में हमारे स्पेशल साथी कोला बहन भी हमारे साथ जा रही है। आजकल वो भाई के साथ बहुत घूमती है, वो भी बाइक के सामने ऐसे बैठी। तो देखिए हम एबरडीन बाज़ार तक पहुंच गए हैं और सुबह सुबह ये एग्जैक्ट 6:50 का टाइम है। अभी तक दुकान कुछ शुरू नहीं हुआ है। लॉकडाउन के वक्त इस समय पे सारे दुकान खुल जाते थे, लेकिन अभी फिर से वही बैक टू नॉर्मल हो गया है। तो अभी वो 9 बजे शुरू होता है। तो ये देखिए क्लॉक टावर के पास से गुजर रहे हैं। ये एग्जैक्टली एक्चुअली हर्ट है सिटी का। अब क्रॉस होने वाले हैं हम मेडिकल कॉलेज, और उसके पास में है सेलुलर जेल, जो कि मेरे वीडियो में मैं अक्सर ही आपको दिखाते रहती हूँ। और ये देखिए कोई भी नहीं है। ऐसे घूमने का एक अलग मज़ा है ना। ठीक है, सेलुलर जेल के पीछे ही है जी.बी. पंत हॉस्पिटल, जो कि अंडमान का एकमात्र गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मतलब और भी बहुत सारे हॉस्पिटल है, लेकिन ये वाला हॉस्पिटल सबसे बड़ा है अंडमान में। ठीक इसी के पीछे है, सेलुलर जेल के पीछे। तो अभी हम जाने वाले हैं हमारा फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट जगह, जो कि ठीक सेलुलर जेल से मरीना पार्क जाने के लिए जो स्लोप हम उतरते हैं, ये वाला जगह, स्पेशली ये वाला जगह। अब अभी जो देख रहे हो वीडियो में, ये मेरा मतलब फेवरेट से फेवरेट जगह है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, क्योंकि आप इससे बहुत सारे टपरी है, और साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्चुअली मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। और अभी हम जहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, इसी के ठीक यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है स्मार्ट सिटी के लिए काम। तो ये सारा मैंने कल की वीडियो में भी आपको बोला था। अगर आप अंडमान आते हो ना, आप इस समय पे ऐसे निकला करो, बहुत ज़्यादा शांति होगा, उतना धूप नहीं होगा, और साथ में आपको बहुत खूबसूरती देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस समय में बहुत सारी चिड़िया की चहचहाहट ये सब सुनने के लिए मिलता है, और बहुत ही ठंडा ठंडा एक हवा भी रहता है, और धूप नहीं होता है मेनली। तो यही बस बात है। तो चलिए आप इस रोड ट्रिप का आनंद उठाइए। और हाँ, हम कहाँ पे जाने वाले ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं। हम जाने वाले आज कॉर्बिन बीच। मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि इस समय पे आपको निकलना चाहिए घूमने के लिए, ये आपको कॉर्बिन बीच जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि उस समय पे कोई भी नहीं होता है, और आपको बहुत वक्त से आपको नेचर देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आप मेरे जैसे इंसान हो, जिनको कि उतना ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, तो आपको इस समय पे घूमना सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं मोस्टली मॉर्निंग में घूमना पसंद करती हूँ, स्पेशली अंडमान में। ठीक है, तो चलिए बीच पे जाते हैं। आए है कॉर्बिन बीच। भी नहीं है बीच में, मतलब मेरे से अप्रॉक्स 100 मीटर नहीं 200 मीटर का डिस्टेंस पे दो और पर्सन है, और एक पर्सन वो यहीं पे काम करते हैं, पता ही चल रहा है। बस इतने लोग हैं और कोई भी नहीं है। दिखाती हूँ यहाँ, ये देखिए, मैं यहाँ से आई हूँ, बीच में कोई भी नहीं है, इस बीच में कोई भी नहीं है, आगे 2 पर्सन है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह। आपको लग रहा होगा छोटा भाई और कोला कहाँ पे है। छोटा भाई वहाँ पे आ रहा है कोला के साथ। ये देखिए, तो यहाँ पे तारपर देख तू सामला भी उनको। बस बस, तो कोला को थोड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि उसको बहुत रो रहा था, वो रो रही थी। Cola is a girl. Cola. Cola कैसे डर जाएगी देखो, ऐसा जैसे वेव्स पास आता है ना तो उसको बहुत डर लगता है। कोला आए जल्दी जल्दी जल्दी, ओ देखो देखो देखो, अभी देखो भागी भागी, देखो भागी जाती तो है शेर का जैसा, चली आती है चूहा का जैसा। एदिक दौड़ा जले ना जले ना जले देख, बेटा तुम्हें बसपा हमार कैसे भिजा नहीं है। चला स्लो मोने वो दौड़ानो है। का जो एनर्जी लेवल है ना वो यहाँ तक है, उसके साथ कंपीट करना यानी ओ गॉड। अभी जा रहे हैं घर, यहाँ पे कोई नहीं इसलिए मैंने मास्क उतारा है, कोई भी नहीं यहाँ पे, बस मैं और छोटे भाई दिखाती हूँ। अच्छा वो अभी अंकल आए लेकिन कोई भी नहीं यहाँ पे। तो बाय बाय टू दिस सुनसान बीच। शाम को यहाँ पे ना बागा बीच का छोटा भाई लगता है, इतना भीड़ होता है, लेकिन अभी नहीं पता, मैं कोरोना के पहले की बात कर रही हूँ। इतना भीड़ होता था ना यहाँ पे पहले, पहले हम लोग जब छोटे थे ना तब यहाँ पे नहाते भी थे। अभी तो फ़िलहाल नहीं है, कोई नहाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होता है। ये जो फ्लोटिंग जेट्टी है ना यहाँ से, ये जो फ्लोटिंग जेट्टी है यहाँ से, हाँ एकदम नया नवेला था, लेकिन आज मुझे इसको धोना पड़ेगा बिकॉज कोला की वजह से मैं भी थोड़ा सा भागी और उसके कारण मेरा पूरा कपड़ा खराब सा हो गया। अभी मेरा फेस थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन रात को देखना कितना बड़ा हो जाता है। तो चलिए हम जाते हैं, छोटा भाई पार्किंग तक पहुंच गया है, मैं अच्छा खासा पीछे हूँ, मुझे डांट मिलने वाला है। रात को लाइटिंग होता है, ये जो आपको हार्ट शेप कुछ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हार्ट शेप ही बनाया है, लाल लाइट जलता है, दो है ऐसा बना हुआ, वो आगे ये वाला एक। तो ये वीडियो का और जो मेरा बाकी का दिन है ये मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो, मतलब ये सुबह सुबह अंडमान का जो खूबसूरती है ये आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद अ वेरी न्यू टॉपिक। टिल देन आप खुश रहिए एंड कोला को बहुत सारा प्यार करिए एंड अपने आपके घर पे भी अगर कोई पेट हो उसका नाम मुझे बताइए, ठीक है। बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स, बाय बाय।